मौत की जला भी रोका, धंधा नहीं रोका किया। अधिसूचनाओं की जला भी रोका, धंधा नहीं रोका किया। जिला सिहोरा अब की बार, बीते 20 वर्षों से यह नारा सिहोरा के लोग देते आए हैं और सिहोरा को जिला बनाने की मांग करते आए हैं। सन 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने सिहोरा को जिला बनाने का वादा कर दिया था और 2003 में इसकी अधिसूचना भी जारी होनी थी, कैबिनेट में प्रस्ताव मंजूर हो गया था, लेकिन चुनाव के मद्देनज़र अधिसूचना जारी नहीं हो पाई और सिहोरा जिला बनते बनते रह गया। लेकिन 2003 से ही लगातार सिहोरा जिले के लोग, अक्षय जिला सिहोरा समिति के लोग इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं और सिहोरा को जिला बनाने की मांग करते आ रहे हैं। कुछ लोग मेरे पीछे दिखाई दे रहे होंगे, आज 23 जुलाई से लगातार अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं और उसके पहले 95 रविवार को प्रत्येक रविवार तक धरना देते आए हैं। तो जानना चाहेंगे इन सभी लोगों से जो लक्ष्य जिला सिहोरा समिति के सदस्य हैं, सिहोरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, कि आखिर क्या नौबत आ गई जो आपको अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ा। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि इतने वर्षों से आप लगातार आपकी समिति संघर्ष कर रही है, सिहोरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक नॉर्मल प्रदर्शन होता था, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अर्धनग्न होकर आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है? देखिए, सिहोरा का लगातार यहाँ की राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने स्वभाव से विखंडन किया, अपने अपने फायदे के लिए सिहोरा का इस्तेमाल किया। पहला तो उन्होंने विखंडन करके सिहोरा को नंगा किया। दूसरा, 2003 में जब कैबिनेट से ने राजपत्र जारी जिले का कर दिया था, उसके बावजूद इसकी अधिसूचना राजनीतिक द्वेष भावना के चलते रोकी गई। दोबारा सिहोरा को इन राजनीतिक पार्टियों ने नंगा किया। आज सिहोरा एक व्यक्ति होता तो वो ऐसा होता जैसा आज हम दिख रहे हैं। इसी के रूप में हमने सांकेतिक प्रदर्शन करते हुए अपने आप को अर्धनग्न किया है, ताकि हम सरकार तक ये बात पहुंचा सकें कि अब आपने बहुत नंगा कर लिया, कृपया अब सिहोरा की तरफ ध्यान दें और यदि आपको अपनी जीत सुनिश्चित करनी है तो सिहोरा को आपको जिला बनाना होगा। हम कैंपेन भी चला रहे हैं, जिला नहीं तो वोट नहीं। और आप यकीन मानिए, आप फेसबुक पे देखिए, ट्विटर पे देखिए, पिछले कई दिनों से जिला सिहोरा लगातार ट्रेंड कर रहा है और हम निश्चित तौर पे जब तक सरकार जिला नहीं बना देती है तब तक हम अपने इस धरना प्रदर्शन को जारी रखेंगे। यानी कि मांग को इतना समय बीत चुका है कि आज अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है सरकार को, आईना दिखाने के लिए कि सरकार ने केवल सिहोरा का दोहन किया है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, केवल वादे किए हैं और उन वादों पर किसी भी सरकार ने, किसी भी पार्टी ने अमल नहीं किया, इसलिए अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। साफ तौर पर सोशल मीडिया में भी पूरी जो लक्ष्य जिला सिहोरा समिति के लोग हैं और तमाम सिहोरा वासी हैं, वो सिहोरा को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्या ऐसी बात आ गई जो अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, कब से ये लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? अर्धनग्न हमें इसलिए होना पड़ा क्योंकि सिहोरा का सरकार द्वारा बुरी तरह से शोषण किया जा रहा है और हर क्षेत्र में सिहोरा को नकारा जा रहा है, जबकि सिहोरा तहसील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसील थी, उसका विखंडन करके आज नंगा बना के रख दिया। इसलिए हम लोगों को अर्धनग्न संकेतिक रूप में देख के सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं कि हम इससे ज़्यादा और प्रदर्शन करेंगे। सिहोरा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तहसीलों में शुमार थी और तमाम बात करें अगर तो सबसे अधिक आयरन खनिज के बहुत अच्छे उत्पादक क्षेत्र यहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन आयरन खनिज का होता है, जो कि सिहोरा को एक राजस्व देने के लिए बहुत है, लेकिन फिर भी सिहोरा को जिला नहीं बनाया गया, जबलपुर और कटनी को बना दिया गया। सिहोरा तहसील का विखंडन करके बोहरीवन, ढीमरखेड़ा और मझोली को तहसील बना दिया है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। कुछ दिनों पूर्व आपकी समिति ने मुख्यमंत्री से भी मुलाकात की थी, मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा था कि ऐसी कोई मांग ना करें जो पूरी नहीं कर सके, तो उसके बाद भी आप लोग का प्रदर्शन जारी है, क्या कहेंगे इस पर? क्या हुआ था कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि हैं मैडम, उनने जाके ये बोल दिया कि भाजपा का सेकंड ग्रुप है, उसके बाद उनने कोई चर्चा नहीं की, जबकि उनको ये बोलना था कि आंदोलनकारी हैं, उसके कारण मुख्यमंत्री ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। तो यहाँ सबसे बड़ी गलती हमारे जनप्रतिनिधि की है कि उसने आज तक इस संबंध में मुख्यमंत्री से कोई चर्चा नहीं की और यहाँ के पास के जो विधायक हैं उनसे भी कोई चर्चा नहीं की, जिसके कारण आज हमको ये सांकेतिक अर्धनग्न प्रदर्शन करना पड़ा। साफ तौर पर जो आंदोलन करता है कह रहे हैं कि जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उनकी गलती है, उन्होंने कभी इस बात को ऊपर तक जिम्मेदारों तक या मुख्यमंत्री तक इस आवाज़ को बुलंद ही नहीं किया, इस वजह से सिहोरा आज भी जिला नहीं बन पा रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने नागदा को मध्य प्रदेश का 54वां जिला घोषित किया है, तो क्या आगे भी सिहोरा को जिला बनाने की पहल यहाँ के जनप्रतिनिधि करेंगे या अभी तक उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है, आप लोग कुछ बताएंगे उसके बारे में? कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जरूर अभी जो जारी किया है उसमें लिखा है
लेकिन बीजेपी अभी भी इस तरफ अपना कोई रुख स्पष्ट नहीं कर पा रही है। बीजेपी के जनप्रतिनिधि कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। सिहोरा जिला उनके लिए ऐसी फांस बन चुकी है जिसे ना वो निगल पा रहे हैं ना वो उगल पा रहे हैं। और अब जब से जिला नहीं तो वोट नहीं कैंपेन चला है, तब से निश्चित तौर पर दोनों ही पार्टियाँ जिले की तरफ अपना रुख स्पष्ट करेंगी बड़े जल्द। जिला नहीं तो वोट नहीं है नारा भी बुलंद कर रहे हैं जिला सिहोरा के लक्ष्य जिला सिहोरा के आंदोलन समिति के सदस्य। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जिला नहीं तो वोट नहीं है कैंपेन भी चला रहे हैं आप लोग, तो क्या इसका असर चुनाव में पड़ेगा? 100% पड़ेगा चुनाव में। सिहोरा की जनता ऐसे नकारेगी सरकार को कि समझ में आ जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा करी है कि वो जिला बनाएगी, हमको तो जिला चाहिए, जो देगा हम उसको वोट देंगे, नहीं देगा हम वोट नहीं देंगे। शिवराज सरकार हर 15 दिन 20 दिन में एक नए जिला का घोषणा करके सिहोरा को पुरजोर तमाचा मारती है। हर 15 दिन में एक नया जिला घोषित होता है, लेकिन सिहोरा पिछले कई सालों से अछूता है, अछूता ही रहा जा रहा है। हमारे जनप्रतिनिधि इसके पीछे कोई भी प्रचार प्रसार कुछ नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे ही नग्न प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक सिहोरा जिला नहीं बन जाता। कांग्रेस ने वादा किया है तो क्या कांग्रेस की तरफ रुझान रहेगा आपकी समिति का? 100% जो हमारे लिए काम करेगा हम उसके लिए काम करेंगे, जो हमारे सिहोरा की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। लेकिन वादे की बात करें तो 20 सालों से सरकारें वादा कर रही हैं, तो फिर अभी क्या उसमें क्या रुख अपनाएंगे फिर आप? 20 सालों से समस्या तो यही है ना कि 20 साल से एक ही सरकार बैठी हुई है, अब हमको दूसरी सरकार का ऑप्शन देखना ही पड़ेगा। अगर हम नहीं देखेंगे तो सिहोरा के साथ यही दुर्भाग्य बना ही रहेगा, सिहोरा कभी जिला नहीं बन पाएगा। साफ तौर पर आंदोलनकारियों का कहना है कि 20 सालों से सरकार में सत्ता में एक ही सरकार बैठी हुई है, सूबे में भाजपा की सरकार है, लेकिन जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी इस आवाज़ को मुख्यमंत्री तक या ऊपर नहीं पहुंचाया जिससे कि सिहोरा को जिला बनाने की कुछ कवायद फिर से शुरू की जा सके। बहरहाल कुछ ही चुनावी साल है और कुछ ही महीनों बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं और लगातार जिला सिहोरा लक्ष्य सिहोरा के आंदोलन के जो सदस्य हैं वो मांग कर रहे हैं कि जिला नहीं तो वोट नहीं, इसका सीधा असर चुनाव पर पड़ेगा। तो देखना यह होगा कि लक्ष्य जिला सिहोरा जो आंदोलन समिति है उसकी मांग पूरी होती है, सिहोरा को जिला बनाया जाता है, या फिर आगे भी इसी तरह केवल घोषणाओं पर और वादों पर ये बात टिकी रहेगी। कैमरा पर्सन के साथ धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।